हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। एक्सेस में नया क्या है आइए दिखाता हूं। यहां पे ब्लैंक डेटाबेस पे चलते हैं और जैसे ही चलेंगे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया सीनेरियो ये आएगा। इस तरीके से एक नई विंडो खुल करके आएगी और यहाँ से ये हमारा डेटाबेस है और ये एक्सेस के फाइल की एक्सटेंशन है और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। ये क्रिएट पे क्लिक करते ही ये सीनेरियो आएगा। आप यहाँ से जाइएगा टेबल पर और डिजाइन व्यू पे आ जाइए और यहाँ पर एक हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और जरा देखिएगा कि 2007 से कितना ज्यादा एडवांस बना दिया गया है 2021 को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट टी करता हूँ, स्टूडेंट टी। ठीक है, या फिर फी मैनेजमेंट कर देते हैं, फी मैनेजमेंट आईडी क्या आएगा, स्टूडेंट आईडी, ये यूनिक फील्ड है तो स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और यहाँ ऑटो नंबर ही रखते हैं और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और नेम ऑफ स्टूडेंट करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट आएगा और यहाँ पर आप चाहे तो और भी पूरी डिटेल लेके आ सकते हैं, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब ये कंप्यूटर हो गया, फिर यहाँ पे इंग्लिश कर देते हैं। ठीक है, ई एन जी एल आई एस एच इंग्लिश हो गया और यहाँ पे हो जाएगा एस सी आई ई एन सी ई साइंस हो गया और यहाँ पे हो जाएगा मैथ्स हो जाएगा, तो जो भी सब्जेक्ट हैं उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे कर देते हैं एस एस टी। तो मान लीजिए ये कुछ सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, इनमें मार्क्स मिलेंगे तो ये नंबर डेटा टाइप हमें रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट नहीं रखना आपको, नंबर रख लेना, इसको चेंज कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो ये चेंज हो गया, यहाँ से जाकर के इसको चेंज कर लीजिए, सारा चीज यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे टोटल करेंगे और आपको मैं इसमें ग्रेड भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और फायदा ये है कि आपको कैलकुलेशन के लिए कहीं और नहीं जाना, यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा सारा। कैसे आइए देखते हैं। यहाँ पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये कैलकुलेटेड का इस्तेमाल जैसे करेंगे ऐसे ये विंडो खुल करके आ जाएगी और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको चीजें लिखनी है। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख ही रहा होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर लिख दीजिए, प्लस का निशान लगाइएगा। ठीक है, अब दूसरा सब्जेक्ट क्या है, दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो यहाँ पे ई एन जी एल आई एस एच कर दीजिएगा तो ये इंग्लिश भी हो जाएगा। और फिर तीसरा सब्जेक्ट, तो आप ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में ही लिखिए, आप इधर उधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एस सी आई ई एन सी ई साइंस हो गया, एस एस टी था एस एस टी तो ये कर दिया एस एस टी, तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही बस लिखना, ये ध्यान रखिएगा सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, सीक्वेंस होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है क्लोज रहेगा, हर बार ओपन करके क्लोज करना होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये चीज मेन है। यहाँ पे मैथ्स हो गया तो ये मैथ्स भी कर दिया। ठीक है, अब सारे ही सब्जेक्ट को हमने ऐड कर लिया तो ओके कर दीजिए, तो ये काम हो गया। अब यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये सारी चीजें टेबल में हो रही हैं। ठीक है, और टेबल में हो रही हैं तो ये अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, कैलकुलेटेड ही लेंगे। ठीक है, अब एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, तो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए टोटल अपॉन सब्जेक्ट का नंबर, कितने नंबर है सब्जेक्ट के गिनिए, पहला कंप्यूटर, दूसरा इंग्लिश, तीसरा साइंस, चौथा मैथ, पांचवा एसएसटी, तो पांच सब्जेक्ट है तो पांच से इसे डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब ग्रेड कैलकुलेट करना है, तो ग्रेड के लिए क्राइटेरिया मैंने पहले से बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेल में आप क्या करते हैं, इफ का फॉर्मूला लगाते हैं और प्रोग्रामिंग अन्य लैंग्वेजेस में भी इफ ही रहता है, लेकिन यहाँ रहेगा आई इफ, सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हो गया है। अब हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ से जाकर के और ये ओके पे क्लिक करना है, देख लीजिए इसको और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो व्यू पे क्लिक कर दीजिए और ये यस कर दीजिएगा, तो ये काम हो गया है देख सकते हैं। और यहीं पर आपने कैलकुलेट कर लिया, यानी आपको क्वेरी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ गौरव, ठीक है, और यहाँ पर कंप्यूटर के मार्क्स आउट ऑफ 100, फिर यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स आउट ऑफ 100, फिर यहाँ साइंस के मार्क्स, फिर यहाँ मैथ्स के मार्क्स, फिर यहाँ पर एस एस टी के मार्क्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड भी आ रहा है, ग्रेड भी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ग्रेड इस तरीके से आ जा रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं दूसरे यहाँ पे स्टूडेंट का जो मार्क्स है उसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, जैसे यहाँ पर इस बार हम थोड़ा सा यहाँ पर ग्रेटर मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स देंगे, देखेंगे कि इसमें क्या ग्रेड की पोजीशन रहती है, क्या ग्रेड सही से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब भी 85% से अबव हो रहा है तो ये एस ग्रेड आ रहा है, एस ग्रेड सबसे बड़ा ग्रेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला, यहाँ पे एक और नाम मैं लिखता हूँ और यहाँ पर इस बार क्या करेंगे, कम मार्क्स देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सी ग्रेड आया हुआ है, देख सकते हैं ना। इसी तरीके से कोई भी इस तरीके से देंगे ना तो यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट होता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पर सारी चीजें एक साथ कैलकुलेट हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेड ही, तो यहाँ पे सारी चीजें कैलकुलेट हो रही हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए ये फेल्ड। अब
कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो तरीके से ये बन जाएगा, आप इसके लिए फॉर्म बना सकते हैं। आप इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, फिलहाल तो ये रिजल्ट है, ये फी मैनेजमेंट नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट कर देता हूँ, रिजल्ट, ठीक है। तो ये रिजल्ट कर दिया, और यहां से जाकर के क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद कहां जाएंगे, फॉर्म विजार्ड पे जाएंगे, ये फॉर्म विजार्ड है आपका, और यहां से ये सारे फील्ड्स लेकर के यहां पे नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करके फिर यहां से जाएंगे और फिर मॉडिफाई डिजाइन पे जाके क्लिक करेंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आप देखिए सारी चीजें आ गई हैं, बस इसको आपको व्यवस्थित करना है, सही से करना है, तो छोटा बड़ा जहां जरूरत हो उसको छोटा बड़ा कर लीजिए, बाकी सारी चीजें तो एकदम सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं आप चाहे तो, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ होम टैब पे जाकर के जो भी कलर लगाना चाहें इस पर कलर अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ से जाकर के मैं ये वाला कलर इस पर अप्लाई कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं ये कलर अप्लाई हो गया कंट्रोल ले करके, और फिर यहाँ से होम टैब पे जाके और ये यहाँ से जा करके और इसको ब्लैक कर देंगे हम, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है आपको, बोल्ड रखना है, और यहाँ से ये जो रिजल्ट करके आ रहा है इसको हटा देंगे, ये सिर्फ रिजल्ट को ही सेलेक्ट करके हटाना है, और यहाँ एक कॉम्बो भी लगा देंगे हम, देखिए ये कॉम्बो लगा रहा हूँ, यहाँ से जा करके यहाँ पे जाऊँगा, और फिर हमें कहाँ जाना है कॉम्बो लगाने के लिए, बटन बनाना है, कॉम्बो लगाना है, तो यहाँ से जाएंगे हम फॉर्म डिज़ाइन पर, और ये देखिए यहाँ पर आपको कॉम्बो मिल जाएगा, तो ये कॉम्बो उठा लीजिए यहाँ से, ठीक है, ये कॉम्बो है आपका, यहाँ पे ड्रैग करवा दीजिएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करिएगा, और स्टूडेंट आईडी के बेस पे हम ये सब ये फाइंड करेंगे सारी चीज़ें, और जब वन आता है तो वन को हटा करके यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके थोड़ा इसको भी बोल्ड कर देंगे ताकि बेहतर लुक प्रोवाइड हो सके इसको, ठीक है। तो ये हो गया काम हमारा, ठीक है। नीचे चाहे तो बटन्स वगैरह बना लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैंने बटन बनाया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपको ग्रेड देखना है, तो यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करते हैं ना कॉम्बो से, तो जो सेलेक्ट करेंगे केवल वही रिकॉर्ड आएगा, तो ये देख लीजिए ये इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें भी हमको क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि रिपोर्ट डिजाइन करो, रिपोर्ट में केवल वही रिपोर्ट आए जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ से जा सकते हैं क्रिएट पे, और क्रिएट पे जाने के बाद कहाँ जाना है, क्वेरी विजार्ड पे जाना है, तो ये विजार्ड पे जाकर के सिंपल क्वेरी विजार्ड, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सारे फील्ड्स हमें लेने होंगे, और यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, डिटेल इसी पर रख करके, और यहाँ पर क्या करूँगा, रिपोर्ट क्वेरी करूंगा, रिपोर्ट क्यू, रिपोर्ट क्वेरी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर आपको एंटर नहीं प्रेस करना है, ये ध्यान देना है, और इसको सीधा डिजाइन व्यू पे ले करके, और यहाँ पर आपको थोड़े से कंडीशन देने होंगे, तो यहाँ फॉर्म्स के अंदर हम देखेंगे, और यहाँ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, और कौन सा फॉर्म है हमारा वो भी देना होगा, तो हमारे फॉर्म का नाम है रिजल्ट, और यहाँ पर हम किसके बेस पे सर्च करेंगे, स्टूडेंट आईडी के बेस पे, किसके बेस पे सर्च करेंगे, स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को ही लेना है, ठीक है, आपको लेवल नहीं लेना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। और इसको अब यहाँ से सेव कर लेना है, और सेव करके इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेरी, तो रिपोर्ट क्यू नाम से क्वेरी बन गया, और यहाँ से जाकर के अब फॉर्म जो है हम रिपोर्ट बनाएंगे, ये रिपोर्ट विजार्ड पे जाएंगे, और जो रिपोर्ट क्यू था इसी के बेस पे हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, ये गए यहाँ गए और यहाँ पर इसको ले लिया, और यहाँ से नेक्स्ट किया और यहाँ पर इसको ब्लॉक में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे और यहाँ से इसको मॉडिफाई कर देंगे, तो यहाँ पे एक टेम्पोररीली रिपोर्ट भी देखेंगे तो डिज़ाइन होके आ गया है, ठीक है। और यहाँ से इसको हटाएंगे इस तरीके से, और ये छोटा बड़ा आप कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ पर इसको छोटा रखिए, यहाँ पर इसको बड़ा कर लीजिए, छोटा बड़ा आप इस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ग्रेड काफी बड़ा है तो इसको यहाँ से छोटा कर दीजिए थोड़ा सा, एवरेज की साइज को भी यहाँ से छोटा करेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। अब ये टोटल है तो टोटल की साइज को भी छोटा करना होगा, और यहाँ से ये SST है और ये मैथ्स है, तो ये कुछ इस तरह यहाँ से ये पूरा डिटेल कंट्रोल ले करके सेलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट थोड़ा अच्छा आएगा, तो
तो ये कर लीजिए, और यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं। अभी क्या ये 4 जो स्टूडेंट आईडी है उनका यहाँ पे आ रहा है डिटेल।